आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर कभी कभी आप थोड़ा सा इरेशनल बिहेव करते हैं, वियर्ड बिहेव करते हैं, और इस कारण से मुझे आप वो वाली बात आपकी पसंद नहीं आती। अगर इस तरह का फीडबैक मैं आपको देता हूं, तो 3 महीने 6 महीने बाद भी आपको इनमें से कौन सी चीज़ याद रहने की संभावना ज़्यादा है? ज़रूर आपको जो मैंने नेगेटिविस्ट बात कही कि आप थोड़े से वियर्ड हैं या आप थोड़े से अजीब बिहेव करते हैं और ये बात मुझे पसंद नहीं है, ये बात आपको याद रहने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। हमें लगता है कि इंसानी फितरत है कि हमको नेगेटिव चीज़ याद रह जाती है पॉजिटिव की अपेक्षा, पर ऐसा होता क्यों है? हमारा ब्रेन किसी एक सेंटेंस में जब हम बट, हावेवर, मगर, किंतु, परंतु ऐसे शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस स्टेटमेंट में इन वर्ड्स से पहले कही गई बात अमूमन हमारा ब्रेन डिलीट कर देता है और इसके बाद कही बात रिटेन हो जाती है। अब यही चीज़ हमारे बच्चों के केस में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब हम अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारा सब ठीक है, पढ़ाई भी अच्छे कर लेते हो यार, पर तुम फोकस अच्छे से नहीं करते, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, अगर इसको बदलोगे तो और कुछ अच्छा हो सकता है तुम्हारे लाइफ में, जब हम ये बात कहते हैं तो बच्चे को भी उस बट या हावेवर के बाद कही हुई बात ज़्यादा याद रह जाएगी। तो अब ये तो हमको समझ में आ गया कि बट या हावेवर का यूज़ नहीं करना चाहिए फीडबैक देते वक्त, तो क्या करें? अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक देना है या ऐसी कोई करेक्टिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, तो बट या हावेवर या किंतु परंतु इनकी बजाय एक बहुत पावरफुल वर्ड यूज़ किया जा सकता है, एंड, और, जिसे कि हिंदी में और कहते हैं। इसी एग्जांपल को हम देखें कि हम बच्चे से कहते हैं यार तुम्हारी पढ़ाई में तुम बहुत अच्छे हो, और अगर एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन पर थोड़ा काम करोगे तो तुम्हारे रिजल्ट और भी अच्छे हो सकते हैं। इस बट को एंड या और से रिप्लेस कर देने से आपके बच्चे में आपने इंश्योर किया कि इस फीडबैक में जो पॉजिटिविस्ट और जो कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये दोनों भी बच्चा रिटेन करता है एंड उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है।